बात बाजार की कर लेते हैं तो आज भी बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 11,000 के नीचे बंद हुआ। दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझौले शेयरों की भी जमकर पिटाई हुई। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 218 और निफ्टी 76 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। रजत मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए। रजत, आज था एक्सपायरी का दिन, सितंबर सीरीज की एक्सपायरी थी और बाजार ने गोता लगा दिया। बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही थी। इंडेक्स के लेवल ही आपको नहीं दिखाएंगे, 76 पॉइंट्स निफ्टी नीचे या 10,977 की क्लोजिंग है 11,000 के नीचे और निफ्टी बैंक 334 पॉइंट्स नीचे। लेकिन जो आज दिक्कत थी वो थी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जबरदस्त पिटाई हो रही थी और एफएनओ के जो स्टॉक्स थे वो तो जोरदार पिटाई झेल ही रहे थे। इंडेक्स पे जो सबसे कमजोर हुआ वो तो येस बैंक, इस स्टॉक में 9% की कमजोरी देखने को मिली निफ्टी पे। इंडिया बुल्स हाउसिंग, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स टॉप लूजर्स की श्रेणी में सामने आए। भारती इंफ्रा, टीसीएस, कोल इंडिया और अल्ट्राटेक कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर खरीदारी हो रही थी, लेकिन एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में आ गया। और जो मैं बात कर रहा हूँ छोटे मझौले स्टॉक्स में, मिड कैप स्पेस में, उसमें एनबीएफसी, ये स्टॉक संभल ही नहीं पा रहे हैं, सितंबर सीरीज के टॉप लूजर्स हैं। लेकिन आज कैनफिन होम्स, उज्जीवन फाइनेंस, साथ साथ पीएनबी हाउसिंग और दीवान हाउसिंग टूटे। इसके अलावा बैंकिंग शेयर्स में गिरावट थी और पीएसयू बैंकिंग एक ऐसा तबका जो बहुत कमजोर हुआ। पीएनबी, ओबीसी, आंध्रा बैंक और साथ साथ इंडियन बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स 5% से ज्यादा की गिरावट झेल रहे थे। फार्मा शेयर्स में बिकवाली हो गई आज। प्रॉफिट बुकिंग थी पनेशिया बायो, पेरावल एंटरप्राइजेस, आरपीजी लाइफ और वोखार्ड जैसे स्टॉक्स दिन के निचले स्तर की क्लोजिंग दिखा के गए हैं। रियल एस्टेट स्पेस बहुत कमजोर था, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, पूर्वांकरा, गणेश हाउसिंग और डीएलएफ। इसके अलावा जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में जहां पर गिरावट थी उसमें श्री इंफ्रा 17% कमजोर था ये स्टॉक। रिलायंस कैपिटल, वोल्टास और इन्फीबीम भी कमजोर होते हुए नजर आए। लेकिन कुछ चुनिंदा स्ट्रक्चर जैसे कि प्रेस्टीज एस्टेट्स, नीलकमल, चेन्नई पेट्रो और अपोलो हॉस्पिटल्स, इक्के दुक्के शेयर्स जहां पर खरीदारी हो रही थी, सेंटिमेंट बिल्कुल वीक। ठीक है, शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट के लिए।